इंटरनेशनल ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल काउंसिल के चीफ डॉक्टर बीपी सिंह ने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक अहम जानकारी देते हुए अयोध्या में होने वाले 26-27-28 को 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सम्मान समारोह में के बारे में बड़ी जानकारी दी। डॉक्टर बीपी सिंह ने इस मौके पर कहा कि कार्यक्रम देश को जोड़ने का काम करेगा। आज देश में जिस तरह से हालात पैदा है उससे ऊपर उठकर यह भाईचारे की भावना को बढ़ाने में मदद करेगा। डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम ने मानवता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए और इसी से प्रेरित होकर अयोध्या में इस बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सम्मान समारोह किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय महोत्सव में 26, 27 और 28 सितंबर को अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा मानवता का संदेश दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 26 सितंबर को शुरू होगा जिसमें अखंड हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। साथ ही बंदर भोज भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। 27 सितंबर को इस सम्मेलन में देश के बड़े बड़े संतों को आमंत्रित किया गया है जो इस कार्यक्रम में पहुंचकर देश के युवाओं और जनता को इस मंच से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन में देश के जाने माने राजनेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को आमंत्रण पत्र दिया गया है। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रण पत्र दिया गया है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में अनेक कलाकार भी भाग लेंगे जो अलग अलग तरह से लोगों का न सिर्फ मनोरंजन करेंगे बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर बीपी सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन लोगों को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जो आज भटकावे की ओर है, और इस कार्यक्रम में देश के तमाम लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इस बीच प्रेस वार्ता में डॉक्टर वीपी सिंह के साथ महाकाल मानव सेवा समिति के अध्यक्ष गुरु माँ कंचन गिरी भी मौजूद रही। अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है और तैयारी हम लोग मिल करके कर रहे हैं क्योंकि राम काज है। प्रभु के काम को कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, एक माध्यम बन सकता है, तो हम माध्यम हैं उसके। ये प्रभु ने मुझे या आप लोगों का आशीर्वाद है, ये करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर पूरे विश्व को जोड़ने के लिए और भारतीय धर्म ग्रंथों की पहचान विश्व के कोने कोने तक ले जाने के लिए राम के चरित्र के माध्यम से प्रेम की भावना, मानव कल्याण की भावना स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 3 दिन के प्रोग्राम में पहले दिन विशाल वहाँ राघव मंदिर है वहाँ नई छावनी में, तो वहाँ हम लोगों ने सभी संतों के साथ पहला कार्यक्रम रखा है सरयू दर्शन का। सरयू दर्शन करके वापस आएंगे, 108 ब्राह्मण कुमारों द्वारा 108 सुंदरकांड का पाठ होगा, 1008 हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हवन पूजन होगा, प्रसाद वितरण होगा, संतों का भोज होगा, संतों का सम्मान होगा, रामचरितमानस वितरण होगा, शाम को भजन संध्या और कवि सम्मेलन रखा गया है, और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को जो ज्योतिष के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का भी काम होगा। दूसरे दिन देश के और विदेश के कोने कोने से हम लोगों ने कुछ संतों को इनवाइट किया है, उनका हम सम्मान करेंगे। अच्छे राष्ट्रनीति का निर्माण हो, क्योंकि हमारा देश बहुत जल्दी विश्वगुरु बने, इसलिए राजनेताओं को भी बुलाया गया है, उनको आमंत्रित किया गया है, उनका भी सम्मान करने का अवसर मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भजन होगा, रामायण की प्रस्तुति होगी, लाइव मंचन होगा, और सबके साथ समापन के बाद तीसरे दिन हम लोगों ने बंदर भोज का आयोजन किया है। पूरी अयोध्या में हम लोग बंदर भोज करेंगे और शाम को सम्मान समारोह है जिसमें चाहे साहित्य, कला, विज्ञान, पत्रकारिता, ज्योतिष,
शिक्षा, किसी दर्शन, किसी भी क्षेत्र से जो लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं उनको बुला करके हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।